चोंदड़ी महियरनी आ सरस टाइटल हेठळ सूरत खाते पीपी सवाणी ग्रुप द्वारा 300 थी वधु दीकरीओना समूह लग्ननु आयोजन करवामां आव्युं। आ समूह लग्नमां सर्वधर्म संभावना भाव रूपे सर्वधर्मनी दीकरीओनु कन्यादान करवानो निर्धार पीपी सवाणी ग्रुपना श्री महेश भाई सवाणीए कर्यो हतो। बे दिवस अगाउ वरसादनु वातावरण होय, पाणी भराई गयेला होय, निर्धारित जग्याएथी बदलीने पीपी सवाणी चैतन्य विद्या संकुलमां समूह लग्ननो कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। चुंदड़ी महियरनी नो विचार पीपी सवाणी ग्रुपना महेश भाई सवाणी ने आव्यो अने आज सुधी 4500 थी वधु दीकरीओना पालक पिता बनी तेओना लग्न करावी अने उमदा कार्य करी फरज निभावी छे। अलम 300 थी वधु दीकरीओना समूह लग्ननु आयोजन करी तेओना पिता बनवानु सद्भाग्य प्राप्त करनार श्री महेश सवाणी अने सवाणी परिवार ने लोकोए बिरदाव्या हता। कहेवाय छे के कन्यादान ए महादान छे अने महेश भाई सवाणी आवी जरूरियात वाली पिता वगरनी दीकरीओनु कन्यादान करी पिता तरीकेनी फरज बजावे छे। मजानी बात तो ए छे के पीपी सवाणी ग्रुपना महेश भाई सवाणी जेओनी आ समूह लग्नमां बे बे दीकरीओना कन्यादान करवानो लाहवो मळ्यो अने आ प्रसंग निभावी महेश भाई भावुक थई गया हता। कोई पण दीकरीने ओछुं न आवे ए रीते लग्ननी तमाम विधिओनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। मेहंदी रसम संगीत संध्या जेवा कार्यक्रमनुं आयोजन पण करवामां आव्युं हतुं। युवानोना आदर्श अने समाज सेवक एवा महेश भाई सवाणीना आ कार्यक्रमने बिरदावा माटे भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहेब पण हाजर रह्या हता अने दीकरीओने आशीर्वाद आप्या हता। तेमज दिल्हीना शिक्षण मंत्री श्री मनीष सिसोदियाजीए पण हाजरी आपी हती अने दीकरीओने आशीष आप्या हता। आम आदमी पार्टीना गोपाल इटालिया अने ईसुदान भाई गढ़वीए पण दीकरीओने आशीर्वाद आप्या हता। पधारेल सर्व महानुभावोए बाप वगरनी दीकरीने आशीर्वाद आपवानो मौको आपवा बदल महेश भाई सवाणीनो खूब खूब आभार मान्यो हतो। दीकरीओने बापनी खोट न वर्ताय एवा कार्यक्रमना आयोजन बदल सूरत अने गुजरात वासीओए महेश भाई सवाणी ने लाख लाख अभिनंदन आप्या हता। रवि ओझा सूरत ABP+ न्यूज। आज इस सभागार में यहां उपस्थित सभी भाई बहन पूरे एक परिवार के रूप में यहां पे सब इकट्ठे हैं और हम सब मैं कहूं तो बाबूजी के परिवार और महेश भाई के परिवार के रूप में सब इकट्ठे हैं। महेश भाई ने अपने परिवार को इतना बड़ा कर लिया है कि अब उसका महेश भाई आपने अपने परिवार को अब इतना बड़ा कर दिया है कि उसका एक कोना दिल्ली तक पहुंच गया है। और आज मैं दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, एक तरफ उन सभी बच्चों को जिनकी आज शादियां हैं, उन सब बेटियों को, उन सब बेटों को जिनकी आज शादियां हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, और साथ साथ महेश भाई को और महेश भाई के साथ काम करने वाले पूरे परिवार को जो इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजन करता है और इतने दिल से इतने श्रद्धापूर्वक आयोजन करता है उसको बहुत शुभकामनाएं बधाई देने के लिए आया हूँ। दिल्ली में भी सामूहिक विवाह होते हैं, देश में सामूहिक विवाह कोई नई परिपाटी नहीं है, लेकिन आमतौर पर सामूहिक विवाह के रूप में रस्म अदायगी होती है, लेकिन परिवार के रूप में, एक परिवार के बड़े के रूप में और ख़ास तौर से जिन बच्चों को आप आगे लाके, जिन बेटियों को, जिन बहनों को आप आगे लाके उनकी शादियां कराते हैं, वो वाकई अगर कोई महेश भाई से नहीं मिले
तो लोगों को यकीन नहीं होगा कि महेश भाई जैसा कोई आदमी एक्चुअली है। आपसे मिले बिना, यहाँ पर आए बिना मैंने भी सुना था महेश भाई से, और महेश भाई के बारे में बहुत सुना, इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बहुत सुना, हर साल होने वाले इस आयोजन के बारे में बहुत सुना था, लेकिन यकीन मानिए परी कथा जैसा लगता है कि कोई आदमी, कोई परिवार, कोई पूरी टीम इकट्ठा होके इतना बड़ा आयोजन इतने उन बच्चियों के लिए करता होगा और इतने दिल खोल के करता होगा। मैंने यही कहा ना, दिल्ली में भी होते हैं, देश के अलग अलग कोने में होते हैं सामूहिक विवाह, लेकिन रस्म अदायगी होते हैं। 5 बच्चों के विवाह हुए, कुछ लोगों ने डोनेशन कर दिया, कुछ परिवार ने कर दिया, और उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। उससे पहले उनसे कोई नाता नहीं, उसके बाद उनसे कोई नाता नहीं, लेकिन जिस तरह से आप इस पूरे परिवार को एक हिंदी में कहते हैं ना कुनबे के रूप में बड़ा कर रहे हैं, वाकई आपके, मुझे लगता है मैं तो मेरे परंपराओं में, मेरे परिवार की परंपराओं में, मेरे धर्म की परंपराओं में पुनर्जन्म का बड़ा महत्व माना गया है, और मुझे लगता है कि पिछले कई जन्मों में कुछ अच्छे काम किए बिना इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। और यहाँ जितने बच्चियाँ जिनकी आज शादी हो रही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि महेश भाई और उनकी पूरी टीम और उनका पूरा परिवार, टीम शब्द थोड़ा अंग्रेजी का है, इसमें वैल्यू कम हो जाती है, पूरा परिवार, महेश भाई के पूरे परिवार का जो आशीर्वाद आपको मिला है, ये भी आपके कुछ पुण्य कर्म है, हम सब के, आप बच्चों के पुण्य कर्म है जो इस पूरे परिवार का आशीर्वाद आपको मिला है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को पूरे आजीवन सफल जीवन के लिए, सफल दाम्पत्य जीवन के लिए, और साथ साथ इस पूरे आयोजन के लिए सभी को बहुत बधाई। एक बार फिर से दिल्ली की तरफ से, दिल्ली वालों की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से, दिल्ली की सरकार की तरफ से सबको आशीर्वाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं सत्य गुजरात एटले एबी प्लस न्यूज़।